नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। 1 जून 2021 को एमएसबीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें बताया है कि हम समर 2021 के एग्जाम ऑनलाइन तरीके से लेने वाले हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड उन्होंने इम्पोर्टेंट ऐड किया है कि रिमोट प्रोक्टरिंग या ऑनलाइन मॉनिटरिंग वर्ड ऐड किया है। ये वर्ड स्टूडेंट्स के लिए नया है, तो मुझे लगता है कि ये वर्ड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये काम कैसे करता है, ये साउंड रिकॉर्ड करता है या नहीं करता है, या कंटिन्यूसली फोटो लेते हैं, या आपका जब वेब कैम ऑन रहता है तो आपका कंटिन्यूसली कोई आपके आपको ऑब्जर्व करता है, ये सारी कुछ चीजें स्टूडेंट के मन में हो सकती है कि कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे एमएसबीटी ने कल ये यहाँ लास्ट लाइन में आप देख सकते हो कि प्राधिकृत केलेल्या पर्यवेक्षकांमार्फत ऑनलाइन प्रोक्टरिंग मॉनिटरिंग करना चाहिए। अभी ये प्रोक्टरिंग का एक टाइप है ऑनलाइन मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है वो भी देखेंगे। पहले ये प्रोक्टरिंग मतलब क्या है, उसके टेक्निकलिटीज में जाते हुए बेसिकली कि रिमोट प्रोक्टरिंग मतलब क्या, कि कोई भी कैंडिडेट किसी रिमोट लोकेशन पे बैठ के, मतलब घर पे बैठ के वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन एग्जाम देते टाइम जो आपकी जो एग्जाम है उसका जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या जो इस तरह से वो एग्जाम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, रिमोट प्रोक्टरिंग कहते हैं। अभी ये रिमोट प्रोक्टरिंग काम कैसे करता है, जब आप एग्जाम स्टार्ट करने से पहले वेब कैम क्या करता है, आपका एक फोटो लेता है। फोटो लेने के बाद आपका जो सिस्टम में फोटो रहेगा उसके साथ वो मैच करके देखता है कि यही बंदा सामने बैठा है या नहीं बैठा है, ठीक है। फिर सामने वही बंदा वो एआई का यूज करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर उसके बाद वही फोटो है, वही बंदा बैठा है तो वो अप्रूव होगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली वेब कैम से आपके पिक्स लेते रहते हैं, और फिर उसके बाद अगर एग्जाम होने के बाद कुछ वो पिक को देखते हैं कि उसमें कुछ ऑब्जर्व तो नहीं हो रहा है, कुछ सस्पेंस है कि नहीं, फिर उसके बाद वो देखते हैं। ये एक टाइप है उसका। फिर ऑनलाइन ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, लाइव ऑनलाइन मॉनिटरिंग। जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तब कोई तो भी क्या करेगा, कोई तो भी बंदा आपका आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेगा या बीच बीच में ऑब्जर्व करेगा कि कुछ मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा है। ये एक लाइव मॉनिटरिंग का टाइप है। फिर उसके बाद रिकॉर्डेड मॉनिटरिंग है। रिकॉर्डेड मॉनिटरिंग मतलब क्या, कि आप जब एग्जाम दे रहे हो ना वो पूरा वीडियो रहता है आपके इसमें स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद उसको वो देखते हैं कि उसमें कुछ मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ऑटो प्रोक्टरिंग है, या ऑटो मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो ना तो वो क्या करता है, एआई का यूज करता है या मशीन लर्निंग का यूज करके वो क्या करते हैं कि कुछ चीजें उन्होंने वहाँ सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किए वाले तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले आप पूरी चीजें समझ लो और फिर ऑनलाइन एग्जाम पे जाओ ताकि आप फियरलेसली आपका एग्जाम दे सकोगे। फिर उसके बाद और एक चीज इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये सारी चीजें हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।